सर ये कैसे पता चलता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव साइन सेंट्रल मेडुलम पे लेते हैं या फिर साइड वाले पे लेते हैं? देखो हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालोगे तो ये कैसे पता चलेगा कि जो सेंट्रल एटम पे लेंगे चार्ज या फिर हम साइड एटम पे लेंगे? देखो अगर जैसे अगर हमारा ऑक्सीजन है और वहां पे नेगेटिव चार्ज है तो हम ऑक्सीजन के साथ ले लेंगे वो, ठीक है। बट जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, हम उसकी ज्योमेट्री पता लगाते हैं, तो वो हम सेंट्रल एटम के ऊपर ही लेकर हम करते हैं उसके, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के ऊपर ही लेकर हम करते हैं उसको, बॉन्ड एंगल फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है। अभी बॉन्ड एंगल का सर ने शायद आपको एक लेक्चर नहीं कराया होगा, सर स्पेशल लेक्चर कराएंगे बॉन्ड एंगल का। हाइब्रिडाइजेशन की एक्सेप्शंस बता दो। हाइब्रिडाइजेशन की जो एक्सेप्शंस है वो ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जितने भी आपको डीपीपी के अंदर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे पेयर के अंदर है, कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर सीन चेंज जाता है, उसके अंदर काउंट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है कि हमारे जो जो एटम्स लगे हुए हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाता है वो, ठीक है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ तो सबसे पहले आपने क्या करना, डीपीपी निकाल लो। वॉइस कम है भाई, वॉइस तो कम नहीं आ रही, मेरे को तो लगता नहीं वॉइस कम आ रही, मैंने अभी क्लास ली है। सो जो भी आपकी डीपीपी है ना, डीपीपी ओपन कर लो एक बार, इधर दूसरे टैब में कर लो, मोबाइल के अंदर ओपन कर लो, मैं भी निकाल लेता हूँ जो भी आपकी डीपीपी है। वैसे तो क्वेश्चंस लिखे ही हुए हैं, हमें शेप ज्योमेट्री बताना है। अच्छा एक क्वेश्चन है इसमें से गलत हो गया था मेरे से, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन था वो, ठीक है। अच्छा देखो XZF2, सबसे पहले ये बताओ कि मेरे को आप जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह फाइंड करते हो कैसे फाइंड आउट करते हो? जैसे XZF2 है, जैसे क्या है ये XZF2 है, आई होप कि सर ने आपको शायद इस तरीके से बताया होगा। जैसे हमारे पास XZ है, ठीक है। अब XZ हमें पता है कि XZ के ऊपर क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। मैं बताता हूँ आपको स्टेरिक नंबर जो भी है, एक्सी जो है हमारा वो नोबल गैस है ये, और नोबल गैस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नोबल गैस के पास हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। तो दो तो फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए, दो के साथ तो बॉन्ड बन गए, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ठीक है ना। तो ये कितना आ गए, दो तो हमारे बॉन्ड पेयर आ गए और तीन हमारे लोन पेयर आ गए, टोटल कितने हो गए, फाइव। टोटल कितने हो गए, फाइव। तो पांच में डिवाइड कर दो, पहले S आता है, P के 3 होते हैं और D का 1 होता है, तो sp3d कितनी होगी, sp3d होगी फिर ये। और अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3d है तो ज्योमेट्री कितनी हो, क्या होगी हमारी ज्योमेट्री, होगी हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और शेप क्या होगी, देखो ये आपने सबने बताया होगा जब आपको टेबल लिखवा कर आए होंगे सामने, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अंदर अगर हमारे दो बॉन्ड पेयर आ रहे हैं तो वो एक्सियल पोजीशन पे आते हैं और जो लोन पेयर आएंगे वो इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो शेप है, शेप में सिर्फ हम बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं, ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों आते हैं, शेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है वो हमारा, सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते, तो लीनियर हो जाएगी। एंगल जो ये एंगल जितने भी एंगल हम बात कर रहे हैं सारे के सारे ये बॉन्ड के बीच के एंगल है, बॉन्ड पेयर में एंगल है, लोन पेयर के बीच के एंगल नहीं है ये, बॉन्ड और बॉन्ड दूसरे बॉन्ड में कितना एंगल है वो एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल बाय पिरामिडल सर ने आप बताया होगा, ट्राइंगल बाय पिरामिडल कैसा होता है बताया था सर ने बना के, ट्राइंगल बाय पिरामिडल कैसे होता है बताया था ना। हाँ जैसे जो आपकी ये ट्राइंगल, जैसे ये आपके तीन वो हैं दिख रहे हो, आपके तीन तो ये हो गए हमारे 1, 2, 3 ट्रायंगल के, उसमें हो गए, एक हमारा ऊपर होगा और एक क्या होगा हमारा नीचे होगा, जैसे तीन है ना ये, तीन ट्रायंगल के उसमें हो गए ये, तो एक ऊपर होगा और एक क्या होगा नीचे होगा, तीन के लिए क्या आएगा, तीन के लिए ट्राइगोनल, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो बाई पिरामिडल, बाई मतलब दो, बाई पिरामिडल। अगर सिंगल एक होता है तो सिर्फ पिरामिडल आते हैं, अगर सिंगल जस्ट कहीं पे सिर्फ एक ऊपर ऊपर आ जाए या फिर नीचे नीचे आ जाए तो पिरामिडल होता है, ऊपर भी हो और नीचे भी हो तो बाई पिरामिडल हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ट्राइगोनल क्या हो गया, ये बाई पिरामिडल, सर ने बताया था, बताया होगा सर ने, ठीक है। तो वही है XZF4। अब बताओ मेरे को डाउट किसके अंदर है, XZF4, XZF4 के अंदर क्या है, बिल्कुल सिंपल, XZF4 में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चार फ्लोरिन, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, दो लोन पेयर आ गए, तो चार बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, तो टोटल हो गया 6।
उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। थर्ड के अंदर डाउट है, चलो XGF5 नेगेटिव, XGF5 नेगेटिव, ओके चलो XGF5 नेगेटिव देखते हैं। देखो XG के पास कितने हैं, 8 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नेगेटिव आ गया ना, तो मैंने वही बताया है जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो नेगेटिव आप सेंट्रल एटम पे ले लो, 8 थे मैंने एक और ले लिया 9, ठीक है। 5 फ्लोरिन है और फ्लोरिन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो एक बॉन्ड बना, दूसरा बना, तीसरा बना, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ये लोन पेयर बचा और साथ में ये भी क्या बचा, लोन पेयर बचा, ओके। तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमारे बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर कितने हो गए, 1 और 1, 2, 2 क्या हो गए हमारे, ये लोन पेयर हो गए, ओके। और टोटल आ गया 7, 1s 3p और 3d, sp3d3। 7 में आपको पता है कि जो इसके sp3d3 की जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जो नेगेटिव चार्ज है ना पूरे पे नेगेटिव कर दो ऐसे, पूरे पे नेगेटिव दिखा दो ऐसे, पूरे पे नेगेटिव दिखा लो, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल का मतलब क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल का मतलब क्या होता है कि 5 के 5 है ना, जो 5 के 5 है, जो 5 के 5 है सारे के सारे 5 को होंगे एक प्लेन में, जैसे हमारे जैसे ट्रायंगल थी ना, ट्रायंगल में तो 3 थे, तो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, देखो दिख रहा है ना, 5 है 5 है ये टोटल, 1, 2, 3, 4 और एक आगे 5, तो 5 तो होंगे एक प्लेन में, 5 क्या होंगे, 5 एक प्लेन में होंगे, और एक अबाउ द प्लेन होगा और एक क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, 5 एक प्लेन में होंगे, एक अबाउ द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होगा, ओके। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये तो इसकी ज्योमेट्री आएगी, बट हमें पता है कि ऊपर और नीचे तो क्या आ गया, ऊपर और नीचे तो लोन पेयर आ गए, ऊपर नीचे क्या आ गए, ऊपर नीचे लोन पेयर आ गए, ओके। तो उस केस में क्या होगा, 5 के 5 एक प्लेन में आ जाएंगे, 5 के 5 क्या आएंगे, फिर एक प्लेन में आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए शेप क्या, देखो शेप ना किसी को याद नहीं करनी, अपने आप आइडिया लग जाता है, अपने आप आइडिया लग जाता है। देखो पेंटागोनल 5 के 5 ना एक प्लेन में है, सारे के सारे भी एक प्लेन के अंदर है, तो पेंटागोनल प्लेनर, एक प्लेन मतलब प्लेनर है, पेंटागोनल प्लेनर, तो पेंटागोनल प्लेनर क्या आ गया, इसकी शेप आ गई है। अब अगर एंगल की बात करें, पूरा एंगल होता है हमारा 360 का, 360 डिवाइड बाय 5 करोगे कितना आएगा, 72 आएगा। एक मिनट शायद शेयर स्क्रीन ना पूरी भी हो जाएगी ओपन, पूरे नहीं होगी शायद। तो 5 एक प्लेन में आ गया, तो पेंटागोनल और 360 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 72। 360 डिवाइड बाय करोगे 5 करोगे ना, तो 72 आएगा। अब देखो एक के बीच में तो 72 एंगल, इनके बीच में, तो अगर मैं इसके बीच में और इसके बीच में देखूं तो 72 + 72 कितना हो गया, 144 हो गया। 72 + 72 कितना हो गया, 144 हो गया। तो एंगल कितना आएगा, 72 आएगा और 144 आएगा, ओके। हाँ जी बताओ, क्लियर है ये, क्लियर है ना ये, हाँ। अच्छा ये बोल रहे हो सर, बोल रहे हो एग्जिट पोजीशन पे क्यों नहीं आया, इक्विटोर पे क्यों आया, तो ये आगे ना हमारे रूल आएंगे आगे, तो उन रूल्स के बेस पे हमें पता चलेगा कि कब हमारे जो बॉन्ड पेयर है, कब हमारे बॉन्ड पेयर एग्जिट पोजीशन पे आते हैं और कब हमारे वो इक्विटोरियल पोजीशन पे आते हैं, तो आगे रूल्स आएंगे। अभी नॉर्मल देखो जो करा रहे हैं उसी को कर लो, रूल से हमें पता चलेगा। सर 216 भी तो हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता 216 एंगल। एक बच्चा बोल रहा है कि सर जैसे आपने 5 तो कर लिए, ये 5 हो गया है भाई, इसके बीच में देखो ये आपको दिख रहा है आगे, इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना होगा, 72 होगा। इसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना होगा, 144 होगा। तो अगर 3 को ले लें तो 216 बोलना चाहिए, नहीं बनेगा वो। दूसरी तरफ से देखोगे तो 144 आ जाएगा, दूसरी तरफ से देखोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। एक तरफ से 216 बना है, दूसरी तरफ से तो 144 बनेगा ना, तो कम वाला लेते हैं हम, तो फिर 144 ही रहेगा। हाँ जी करंट समझ आया, हाँ स्मॉलेस्ट ही लेते हैं ना वो एंगल तो, ठीक है। बताओ थर्ड क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ। पेंटागोनल प्लेनर, प्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन में है सारे के सारे, ये ट्राइगोनल प्लेनर 3 के 3 एक ही प्लेन में होते हैं, सारे के सारे एक ही प्लेन में है, तभी प्लेनर टर्म आती है, क्लियर है। चलो XGOF4 हमें पता है, देखो जिनोन कितने हैं, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जिनोन हो गया ये, और 4 फ्लोरिन है, 1, 2, 3, 4 और देखो ऑक्सीजन ना डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया।
तो कितने बोन्ड पेयर बने, एक दो तीन चार, और ऑक्सीजन को पूरे का एक ही काउंट करना है, क्योंकि हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम सिग्मा बॉन्ड को लेते हैं, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते, तो बॉन्ड पेयर का मतलब है सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा है तो एक ही बॉन्ड पेयर होगा, 1 2 3 4 5, और एक लोन पेयर आ गया, तो टोटल आ गया 6, 6 का मतलब हो गया ज्योमेट्री हमारी ऑक्टाहेड्रल आ गई है, और जो शेप है वो स्क्वायर पिरामिडल, देखो चार ही आ गए तो एक आया ऊपर, एक आया तो क्या हो गया स्क्वायर पिरामिडल हो चुका है, स्क्वायर पिरामिडल। क्या स्केयर बाई पिरामिडल भी हो सकता है, सोचने वाली बात है ना ये, क्या स्केयर बाई पिरामिडल भी हो सकता है, बताओ मेरे को। चलो कैसे हो सकता है बताओ, जो बोल रहे हैं हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल होगा। देखो होता क्या है कि हमें पता है ना, अगर छह आएंगे मतलब चार तो रहेंगे एक प्लेन में, चार तो क्या रहेंगे, चार हमें एक प्लेन में रहेंगे, ठीक है, और एक रहेगा ऊपर और एक रहेगा नीचे, उसको हम ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं, एक ऊपर रहेगा और एक क्या रहेगा नीचे, उसको हम ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं। देखो यहाँ पे जो हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कर रहे हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर शेप ज्योमेट्री निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है सारे ना सारे बॉन्ड बराबर होते हैं, मतलब ये वाला बॉन्ड बराबर, ये वाला बॉन्ड बराबर, ये वाला बॉन्ड बराबर, सारे के सारे बॉन्ड क्या होता है, सारे के सारे बॉन्ड बराबर होते हैं हमारे, ठीक है। जब सारे के सारे बॉन्ड बराबर होते हैं तो आप उसको ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आपको सेम दिखेगा, आप जिस मर्जी डायरेक्शन में घुमा लोगे ना आपको सेम दिखेगा, जिस मर्जी डायरेक्शन में घुमा लोगे। बट जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हम इनकी बात करते हैं तो वहां पे क्या सीन हो जाता है, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है या फिर थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इस बात को सुनो मैं जो कह रहा हूँ, जो ऊपर वाला बॉन्ड है और नीचे वाला बॉन्ड है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है या फिर थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है, उससे ये फर्क पड़ता है कि इसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम स्केयर बाई पिरामिडल, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम स्केयर बाई पिरामिडल बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये है हमारा चार है, ये एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, यहाँ पे छह होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड अलग अलग हो जाए तो उसको हम बोल देंगे स्केयर बाई पिरामिडल, कि दोनों को हमने अलग बताया। बट जो भी हम नॉर्मल कंपाउंड कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वहां पे सारे के सारे छह के छह बॉन्ड बराबर इक्वल लेंथ के होते हैं, तो यहाँ पे स्केयर बाई पिरामिडल टर्म नहीं आती। हाँ जी बताओ, क्लियर है ये टर्म, बताओ क्लियर है ये टर्म, ये नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ कॉपी में नोट कर सकते हो, कैसे पता चलेगा, नहीं पता लगाना भी आएगा ही नहीं, जब हमारे चैप्टर में ही नहीं है ये वाले, इस चैप्टर में तो हमारे चैप्टर में ही नहीं है, ठीक है। अच्छा सर ये बोले कि सर एंगल इसके अंदर 90 का कैसे आया, 90 का एंगल देख लो, 90 का एंगल तो आ चुका है, 90 का एंगल, ये 90 का एंगल देखो, ये ऊपर है एक। अच्छा पहले बताओ यार, वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्योंकि सर नहीं आया तो इसी से काम चलाना पड़ेगा हमें। हाँ विजिबल है ना, बस ठीक है, फिर आइडिया लगना चाहिए आपको, नहीं समझ आएगा तो मैं खुद दोबारा बता दूंगा। 90 का एंगल कैसे, देखो ये जो है इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 का परपेंडिकुलर है भैया, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है, क्योंकि ये तो 360 डिवाइड बाय 4 किया हुआ है हमने, 360 डिवाइड बाय 4 किया हुआ है, तो 90 का। ऊपर वाले के बीच और नीचे वाले के बीच एंगल कितना आएगा, ऊपर वाले नीचे वाले में एंगल आएगा 180 का, ऊपर वाले में नीचे वाले में एंगल कितना आएगा, 180 का एंगल आएगा यहाँ पे, ओके। तो ये 180 का एंगल हो जाएगा। चलो और बताओ भाई, हाँ यार ये गलत हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया, PCl3 गलत है, इसको सही कर लो, ये बिल्कुल पता नहीं कैसे गलत हो गई, PCl3 गलत है, पता दो लोन पर कैसे बनाते, एक ही लोन पर आएगा, इन शॉर्ट जो PCl3 है वो पिरामिडल बनेगा। तो बच्चों के मेरे पास आए थे मुझे नहीं पता चला, हाँ यहाँ पे ये बनेगा, ये गलत है, इसको इसको काट दो, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर चार, इसको भी ठीक कर लेना, हारे को पिरामिडल बनेगा ये। हाँ अगर बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है तो उसको हम बाई पिरामिडल बोलते हैं, हेड की जगह, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको सही कर लो, गलत हो गया था ये, मतलब ध्यान नहीं दिया मैंने। एंगल क्या होगा, देखो वही बात है कि एंगल को एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट हाँ आइडिया दे सकते हैं। आइडिया कैसे दे सकते हैं, देखो एक बार कॉपी में देखो, हमें पता है कि अगर ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता तो इसका एंगल आता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट आता, बट ये परफेक्ट तो नहीं है, यहाँ पे क्या है लोन पेयर आ गया,
तो ना सर ने आपको बताया होगा कि लोन पेयर के बीच ना रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। लोन पेयर की रिपल्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की होती है, और फिर लास्ट में क्या होती है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगी, यहाँ पे रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से क्या होगा ना, जो थोड़े से बॉन्ड है ना वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। हाँ, जो थोड़े से बॉन्ड है ना, थोड़े से बॉन्ड अंदर की तरफ आ जाएंगे। जब बॉन्ड अंदर की तरफ आएंगे तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। एंगल क्या होगा, एंगल इससे कम होगा। एग्जैक्ट एंगल याद नहीं करना, नहीं आता, रिलेटिव बातें करते हैं हम, रिलेटिव। सर एनसीईआरटी में 109 डिग्री 5 मिनट लिखा हुआ है, मैंने बोला कम लिखा हुआ है ना, कम होगा, कम होगा। ठीक है, पीसीएल 5 आपको पता है एंगल, आपको ये और ये एंगल, ये 90 का एंगल है, ये और ये एंगल 180 का एंगल है, और इसके बीच में और इसके बीच में एंगल 120 डिग्री का एंगल है। हाँ, पीसीएल 3 की टेट्रा हैंडल होगी ये एंगल 120 के। हाँ जी बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किसी को डाउट हो एंगल के अंदर या किसी और चीज में? 6 तो सिंपल है ना, बाकी मैंने सारा लिख दिया था आपको, मतलब भी आपको कोई डाउट ना, प्रॉब्लम ना हो कुछ। SF2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने हैं, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर 4 हाइब्रिडाइजेशन SP3, बस जितना भी टोटल आएगा हमारा बॉन्ड पेयर का लोन पेयर का उसी से आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल देनी है। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और जो शेप है, शेप तो फिर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये क्या बना, ये वी बन रहा है, वी वी बेंड, या फिर इसको एंगुलर भी बोलते हैं। एंगल तो बन सकता है, मैं वही बोल रहा हूँ फिर यार, भाई एंगल याद दो कर सकते भाई, अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो थोड़े बहुत याद कर लो। रिलेटिव बातें करते हैं, रिलेटिव बातें करते हैं। सर SF2 लीनियर नहीं हो सकता, भाई कैसे लीनियर करेगा, लीनियर तो हो ही नहीं सकता। देखो आपने अपनी कलाकारी नहीं करनी कि हाँ भाई सर ये ऐसा है, ये एफ में इधर लगा दू, ये एफ में इधर लगा दू, ये लोन पे उधर लगा दू, ये लोन पे इधर लगा दू। भाई घर का राज सुनना चल रहा है, हमें जो स्टैंडर्ड गिवन है हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है। देखो एक्चुअल में होता पता क्या है, ये जो बॉन्ड और लोन पे ना इस तरह अरेंज हो जाते हैं अपने आप में कि उनके बीच में रिपल्शन बिल्कुल मिनिमम हो। ये अपने आप को इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन बहुत ही कम हो। अब हमने ऐसे कर लिया तो इनके बीच में एंगल कितना आ गया, 90 का नहीं आ गया, तो रिपल्शन बढ़ गई है, यहाँ पे एंगल 90 से ज्यादा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि हाँ सर ऐसे कर ले, भाई हाइपोथेटिकल मान लेंगे ऐसा हो सकता है, बट बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं जहां पर रिपल्शन बहुत ही मिनिमम हो। तो जो केस बने पड़े हैं ना वो स्टैंडर्ड है, उनके अलावा केस नहीं है। जो केस सारे के सारे कराए हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड है, उनके अलावा कोई केस नहीं आएगा। उनके अलावा अपना फालतू में नहीं, मतलब माइंड में लगाना कि हाँ ऐसा हो जाए तो, ऐसा वो हो जाए तो, कोई नहीं फालतू करना। लेकिन सर बैंड में लोन पे रिपल्शन ज्यादा आ रहा है, आपको कैसे पता ज्यादा आ रहा है? विशाखा आपको कैसे पता ज्यादा आ रहा है? आपको पता टेट्रा हेडल क्या होता है? टेट्रा हेडल देखा कभी? टेट्रा हेडल एक वेबसाइट है, camtube.com एक वेबसाइट है, camtube.com। वहां पे ना आपको उसकी 3D सेक्शन मिल जाएंगे, जो मर्जी का जिस मर्जी का 3D सेक्शन देखो। बताया आपको टेट्रा हेडल? बताओ सर ने बताया होगा टेट्रा हेडल। ये टेट्रा हेडल होता है, देखो अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा सही से, ये टेट्रा हेडल होता है। देखो होता क्या है एक्चुअल में, दो बॉन्ड तो ऐसे आएंगे, ऐसे पीछे दिखाऊंगा थोड़ा सा, दो बॉन्ड तो ऐसे आएंगे और दो बॉन्ड ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, दो नीचे की तरफ आएंगे, दो ऊपर की तरफ आएंगे। हम उसको पता कैसे करते हैं, हम उसको एक को पकड़ लेते हैं और उसको सीधा कर देते हैं, ऐसे हम एक को पकड़ के सीधा कर देते हैं, दो ऐसे आएंगे और दो ऐसे आएंगे, तब होता है ये। और ये ऐसी पोजीशन होती है जहां पर जो इनके बीच में रिपल्शन होता है, रिपल्शन सबसे क्या होता है, रिपल्शन सबसे मिनिमम होती है, रिपल्शन क्या होता है, रिपल्शन सबसे मिनिमम होती है। हाँ जी समझ आया टेट्राहेड्रन कैसा होता है? टेट्राहेड्रन सर वेबसाइट दोबारा बता दो, वेबसाइट में बता रहा हूँ camtube.com। सारे 3D सेक्शन मिल जाएंगे आपको, जो भी देखो पूरा रोटेट करके देख लो, देखना सबके क्लियर क्लियर होगा। देखो
जो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल क्या होता है, नीचे तो ऐसे हो गए दो, नीचे दो ऐसे हो गए, देखो नीचे ऐसे आ गए दो, ठीक है, ऐसे हो गए दो, और ऊपर क्या होगा, ऊपर ना, ऊपर इसके अपोजिट जो जाएगा, इसके एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, नीचे दो ऐसे, ऊपर की तरफ भी दो आएंगे, एक ऐसे सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ, बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा। टेट्राहेड्रल ये होता है एक्चुअल में, टेट्राहेड्रल एक ऊपर की तरफ, सामने आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। अब आप बोलोगे सर हमें तो सबने ऐसे बताया था एक ऊपर और तीन नीचे, वो वही हो गया, वो वही हो गया, ट्राइपोड स्टैंड की तरह बताया होगा, ठीक है मैं मान गया, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ना, आपको यार इसको ना कैमरा चलता ना तब मैं आपको सही से बताता, सर कोई आया नहीं आज, देखो देखो आप जब ये है, ये दिख रहा है आपको, मैंने आपको ऐसे बताया, देखो ऐसे बताया ना मैंने आपको, देखो इसमें क्या करोगे ना, इसमें आप किसी एक को पकड़ लो, मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने इसको पकड़ के मैं ऐसे कर दूंगा तो ट्राइपॉड स्टैंड तो बन गया भाई, देखो और इसको ऐसे कर लो, देखो अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, मैंने इसको पकड़ा ऐसे कर दिया, मैंने ट्राइपॉड स्टैंड तो बन गया, ये ट्राइपॉड स्टैंड बन गया ये, और ये देखो बिल्कुल ट्राइपॉड स्टैंड बनेगा, सबने आपको ट्राइपॉड स्टैंड की तरह ऐसे बनाया हुआ, सबने वही है भाई, वो वही है, बट ऐसे देखते हैं उसको, सही सही तरीका ये है, बिल्कुल सही, ठीक है चलो समझ आ गया आपको। ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल तो आपको बता ही दिया, चार एक प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे, भाई जब तक आपको विजुअलाइज नहीं होगा ना कि कौन किसने प्लेन में है, सारे मतलब सेम प्लेन में कितने हैं, ऊपर नीचे कितने हैं, साइड में कितने हैं, तब तक आप एंगल नहीं बता पाओगे, तो आपने इनको विजुअलाइज करना है, आपको इमेजिन करना है कि आपके माइंड में अगर टेट्राहेड्रल आ रहा है तो हाँ टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। सही है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, देखो कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, जो आप sp3d करते हो, थोड़ा सा बता देता हूँ कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, आप sp3d करते हो, अच्छा क्वेश्चन है ये, sp3d करते हो, sp3d के अंदर ना सर ने बताया होगा dz2, बताया था पहले, हाँ या ना बताया, ठीक है dz2 ही क्यों, डीजेड स्केयर ही क्यों, सोचने वाली बात है ना, ये ही क्यों, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर क्या होता है कि एक ऊपर होता है और एक क्या होता है नीचे होता है, ऐसे ये हो गया हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये देखो तीन एक प्लेन में एक ऊपर और एक नीचे, यही होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हाँ या ना बताओ, बताओ भाई, हाँ ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे हो गया, तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये हमारी एक्सिस है ना, ये ऊपर और नीचे वाली एक्सियल वाली, ये हमारी जेड एक्सिस होती है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी जेड एक्सिस होती है, ये होती है जेड एक्सिस, और हमें पता है कि जो हमारा डी जेड स्केयर है सिर्फ वो ही एक ऐसा डी ऑर्बिटल है जो जेड एक्सिस पे बनता है, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई है, और डी जेड जेड स्केयर ही एक ऐसा ऑर्बिटल है हमारा जो जेड एक्सिस पे बनता है, तो डी जेड स्केयर से ना ऊपर और नीचे वाले बनते हैं भाई, ओवरलैपिंग उससे होती है ये, इसलिए यहाँ पे डी जेड स्केयर आता है, इसलिए क्या आता है यहाँ पे डी जेड स्केयर आता है। हाँ जी अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ क्लियर हो गया ना चलो हाँ, मतलब डी जेड स्केयर आ रहा है तो जेड एक्सिस पे आ रहा है, और आपको पता है कि पी जेड दो बॉन्ड बन रहे हैं ना भाई, दो बॉन्ड बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, तो डी जेड स्केयर और पी जेड दोनों के दोनों मिलके मिक्स होके ऊपर और नीचे का कोण बना देते हैं, क्योंकि पी जेड भी हमारा जेड एक्सिस के ऊपर ही आता है। क्लियर, चलो IF3 आ गया, अब तो देखो वही बात है ना, IF3 ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, IF3 के अंदर थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको, IF3 के अंदर क्या होता है, टी शेप बनती है, परफेक्ट टी नहीं होता ये यार, ये ना परफेक्ट टी नहीं होता, ये माइंड में बात बिठा लो, परफेक्ट नहीं होता ये, हल्का सा ना हल्का सा, हम एंगल लिख तो देते 90-180 अप्रोक्स लिखना, ये हल्का सा अंदर की तरफ होता है, हल्का सा अंदर की तरफ होता है ये, हल्का सा, क्योंकि क्या तो रिपल्शन ज्यादा हो जाती है ना यहाँ पे, रिपल्शन ज्यादा होता है, हल्का से अंदर की तरफ रहता है ये, थोड़ा सा टी बोलते हैं उसको वैसे तो, पर थोड़ा सा बेंड टी होता है, बेंड टी मतलब, बेंड टी मतलब, एक तो टी ऐसे हो गया, एक हो गया कि हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा इस तरह से होता है, समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। योगेश राणा क्या पूछ रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। IF5 IF5 में सिंपल है,
आई एफ आई आई के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बच गया हमारा लोन पेयर, तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो टोटल आ गया हमारे पास 6। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल, पता है ना, अगर एक बनेगा ऊपर तो पिरामिडल, दो बनते हैं ऊपर नीचे जैसे ट्राइगोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल, तो सारों को ना याद नहीं करना, मैं ऐसे ही विजुलाइज हो जाते हैं, ऐसे ही याद हो जाते हैं ये शेप देख के सोच के, सारे केसेस पता ही है हमें। IF7, अब देखो IF7 आ गया परफेक्ट, पेंटागोनल बायपिरामिडल, सर इनके बीच में 90 एंगल, देखो 90 का एंगल ये हो गया ना, इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो 90 है, इसके और इसके बीच में एंगल है ये भी 90 है, हर एक के बीच में एंगल 90 है, बट अगर आप इसके और इसके बीच में एंगल देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 180 का एंगल, ये हमारा 180 का एंगल हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना। हाँ वो गिन लेना, वो तो जितने भी होंगे सर। SF4 चला गया क्या, आएगा तो बता दूंगा, आगे आएगा ना, पहले जो आ रहे ना कैसे उनको पढ़ लो। अच्छा ये IF7 पेंटागोनल बायपिरामिडल 72 डिग्री, 144 डिग्री और 180 डिग्री, इनके और इनके बीच में, अच्छा 90 डिग्री भी तो आएगा भाई यहाँ पे, वो कैसे भूल गया मैं, 90 डिग्री भी आएगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इनके बीच में एंगल 180, इसके और इसके बीच में एंगल, सबके बीच में एंगल 90, और इनके बीच में जो एंगल आएगा 72, दूसरे के बीच में, दो के बीच में ले लेंगे तो एंगल 144, ठीक है ना, तो ये सारे एंगल हो जाएंगे इसके अंदर। सर IFN में 90 नहीं आएगा, आएगा 90 बिल्कुल आएगा सर, डाउट बताओ क्या डाउट है, बताओ क्या डाउट है सर। sp3d ऑर्बिटल है, sp3d2 में भी, sp3d2 के अंदर क्या हो जाता है, sp3d2 में एक तो dx² - y² आता है और एक आता है हमारा dz² सर। डिस्टोर्टेड आएगा, डिसऑर्डर ऑक्टेट है, सब बनाऊंगा कोई बात नहीं, जो केसेस चल रहे हैं ना उसी के ऊपर रहो, जो केस चल रहे हैं सारे केस आ रहे हैं, जो केस चल रहे हैं उसी के ऊपर। OF2 आपको पता ही है, ऑक्सीजन यहाँ पे फ्लोरीन, मतलब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, फ्लोरीन फ्लोरिन यहाँ पे, ये लोन पेयर और ये भी लोन पेयर, तो दो बोन पेयर और दो ही लोन पेयर, तो टोटल हो गया हमारे पास 4 हो गए ना। हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि 4 टोटल है ना, एक एस का और 3 पी के, ज्योमेट्री कितनी हो गया है, ज्योमेट्री तो हम हाइब्रिडाइजेशन से बताते हैं, टेट्राहेड्रल। निशांत क्या हुआ भाई, निशांत शेप वी बेंड या एंगुलर, एंगल कितना होगा, मैंने आपको एंगल बता दिया इसका, रेगुलर से कम रहता है एंगल इसके। सारे वही केस हैं इसमें, हाँ जी बताओ, डिस्टोर्टेड ऑक्टेट अभी आगे आएगा तो वो बताओ। हाँ जी ये देखो NO3-, आप जो नेगेटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम पे भी लिख सकते हो, सेंट्रल एटम पे कर लिया हमने, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो कितने बॉन्ड पेयर आए, 1 बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर और तीसरा बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर, लोन पेयर तो 0 है, 1 भी नहीं है, टोटल कितना आ गया, 3 आ गए। हाइब्रिडाइजेशन जितने हमारे टोटल है sp2, क्योंकि इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल अप्रोक्स आता है 120, बिल्कुल नहीं होता एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड थोड़ा स्पेस लेगा, डबल बॉन्ड थोड़ा स्पेस है तो हल्का सा 120 से कम होता है, हल्का सा। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है या फिर ये पाई बॉन्ड होता है, अगर पहला बन रहा है तो सिग्मा ही होगा, दूसरा तीसरा बनेगा तो वो पाई होगा, उसमें तो कोई नहीं है। देखो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, सर ने बताया हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये होता है, ठीक है। आगे क्या करेंगे ना, आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी नॉर्मल बॉन्ड की तरह ही कंसीडर करके चलेंगे। सर ने बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इस तरह
तो आगे की देखोगे आप नॉर्मल केस में भी ऐसे लिखा होगा बोर्न, जरूरी नहीं है कि हम एरो से दिखाएंगे। तो जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ता है या हम और चैप्टर करते हैं, हम और बॉन्डिंग की बातें करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी नॉर्मल बॉन्ड की तरह ही दिखाते हैं, बट हाँ पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना है। ठीक है, तो वही है कि NO3 नेगेटिव है। अब की बार ये नेगेटिव चार्ज आए तो किसी आप एक ऑक्सीजन पे दिखा दो, किसी एक ऑक्सीजन का बॉन्ड एक कम करके एक के ऊपर नेगेटिव दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस पे दिखा दिया, जरूरी नहीं है कि आप इस पे दिखाओ, आप इस पे भी दिखा सकते हो और आप इसके ऊपर भी दिखा सकते हो। और एक्चुअल में पता क्या होता है, एक्चुअल में ना इसके अंदर जो बॉन्ड होता है ना, ये पार्शियल बॉन्ड होता है। एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल होता है ये ओ, ये ओ और ये ओ। जो नेक्स्ट वाला बॉन्ड आएगा ना, जो नेक्स्ट वाला बॉन्ड आएगा, जो नेक्स्ट वाला, वो हमारा पार्शियल बॉन्ड होगा, वो हमारा पार्शियल बॉन्ड होगा। ठीक है, जब आगे करोगे तो, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आया, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड आया, तो ऐसे सिंगल बॉन्ड किसी में भी आ सकता है, डबल बॉन्ड किसी में भी आ सकता है। तो भी जब सब कुछ सब में आ सकता है तो एक्चुअल में वो पार्शियल बॉन्ड हो जाता है वो, और पूरे पे आप दिखा सकते हो नेगेटिव चार्ज, इस तरह दिखा सकते हो आप। ये चीज समझ आई या नहीं आई इसको आप? ये तो हम करते हैं ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बट एक्चुअल ये होता है, एक्चुअल ये होता है सर। पार्शियल बॉन्डिंग, पार्शियल बॉन्डिंग का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का करेक्टर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का करेक्टर। भाई हर जगह भी ये नहीं, कंप्लीटली नहीं होता भी, हाँ हर जगह पहला एक बॉन्ड कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, तीसरा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि परफेक्ट नंबर में चलेंगे, मतलब इंटीजर्स में चलेंगे, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं ये बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शन पार्शियल बॉन्ड भी हो सकता है, होता है इवन ये इसके अंदर भी होता है। बताओ ये NO3 नेगेटिव क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ जी बताओ फटाफट। क्लियर है ना, चलो सेम वही Cl4 नेगेटिव, Cl4 नेगेटिव में वही Cl है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 और एक नेगेटिव आ गया तो 8, चार ऑक्सीजन, तो हर एक पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से। बॉन्ड ऑर्डर मतलब एक इसका वो, एक ये और एक ये, तो चार बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, टोटल आ गया 4, तो sp3 टेट्राहेड्रल अप्रोक्स हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है थोड़ा स्पेस लेता है तो हल्का सा एंगल कम हो जाता है। तो वही है कि एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो और बाकियों के ऊपर डबल बॉन्ड दिखा दो, बट हमें पता है कि चलो ये तो ज्योमेट्री में होता है, बट सबके बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करेक्टर आता है, पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। सर आपने यहां पे ओ नेगेटिव क्यों लिखा है और बता आप डबल बॉन्ड रहे हो? हाँ देखो यही तो तरीका है, जब आप ये शॉर्टकट मेथड लगा रहे हो ना, शॉर्टकट मेथड लगा, तो शॉर्टकट मेथड में आपने सारे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड ही बना देने हैं। वो तो हमें पता है कि एक नेगेटिव आया तो एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बनाना है, दो पे नेगेटिव आया तो दो ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बनाना है, वो हमें पता है। यहां पे आपने ऐसे ही करना है। वैसे भी कर सकते, उसमें कोई वो नहीं है। SF4 ये आ गया, SF4 लो, SF4 आ गया, इसका डाउन था SF4, सल्फर 1 2 3 4 5 6, कितने फ्लोरिन है, चार, एक फ्लोरिन यहाँ पे, एक फ्लोरिन यहाँ पे, एक फ्लोरिन यहाँ पे, एक फ्लोरिन यहाँ पे, एक बची आपके पास लोन पेयर, तो चार बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 और एक लोन पेयर, टोटल हो गए 5, 5 में हाइब्रिडाइजेशन, sp3d ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और जो शेप आएगी इसकी सीसा शेप आएगी इसकी ये, और एक लोन पेयर जो आता है वो यहां पे आता है। ठीक है, एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में एंगल होगा 90 का, इसके बीच में, इसके बीच में एंगल होगा 180 का, और इसके बीच में भी एंगल कितना होगा 90, 120 तो आएगा नहीं इसके अंदर, 120 एंगल नहीं आएगा, हाँ नहीं, हाँ सॉरी, ये तो 120 होगा ना, ये वाला एंगल 120 होगा, ये एंगल 120 होगा, आएगा आएगा 120 होगा। ठीक है, तीन है ना, 360 / 3 करोगे तो 120 आ जाएगा, आएगा। ठीक है, सी साइज इसकी वो होगी, शेप होगी। क्लियर है, कराया होगा ना सबने,
सीसा दिखाना, दिखा देते हैं सीसा। सिंपल है सीसा, तो वही आपको है इसमें ऊपर हो गया है क्या, ऐसे होता है। देखो देखो हमारे जो है उसके अंदर वैसे एक पेन में तीन आने चाहिए थे, देखो तीन आने चाहिए थे एक पेन में, बट एक तो लोन पेन आ गया, लोन पेन को हटा दो, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना, ऐसे आ गया। तो ये हो गया हमारा सीसा, इस तरह से आ गया ये हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा सीसा। आपको जो शेप ज्योमेट्री ना विजुअलाइज होनी चाहिए, आपको इमेजिन होनी चाहिए, हाँ ये है, तभी आप एंगल को सोच सकते हो, बता सकते हो, मतलब आपको आ गया मेरे को पता है, बट जो मैंने वेबसाइट बताई है उस पर जाओ थोड़ा उसके ऊपर जाके करो, वरना दूसरी क्लास आ गई तो मैं आपको सारे बता देता। आई थ्री पॉजिटिव और आई थ्री नेगेटिव दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थ्री पॉजिटिव और आई थ्री नेगेटिव, बस एक में तो लीनियर टाइप से बनता है। सर सिर्फ डाउट बता दो, हाँ बता दो डाउट, कौन कौन से डाउट है बताओ, 16 डाउट है किसी का, सर मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन से डाउट है आपके, बताओ इसके अंदर 20 तक बताओ कौन कौन से डाउट है 20 तक, क्योंकि नॉर्मल ही है सारे ये, 20 तक बताओ कौन कौन से डाउट है। अच्छा 18 तक ही है टोटल ये सारे, नहीं है कोई डाउट है, चलो। सेकेंड का डी हमें पता है कि ये PBR प्राइम सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में एक टाइल मिलेगा हमें 9 मिलेगा, और ओके डन, क्लास में होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये भी हो गया होगा कि टाइलिंग पार्ट का बताना, ये हो गया हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, ओके दोनों के बीच में डिफरेंस बताना, डिफरेंस तो 0 डिग्री का होगा, XGO3F2 ये रहा हमारा अच्छा बताओ सर ने आपको बेंट रूल करा दिया, बेंट रूल नो सर, अच्छा बेंट रूल बताएगा हमें कि फ्लोरीन यहां पे क्यों आए, फ्लोरीन ने यहां पे ही फ्लोरीन क्यों आए, यहां पे क्यों नहीं आए, मतलब इस तरह से बेंट रूल होगा, तो बेंट रूल क्या बताना है नतीश, camcube.com, ठीक है, TEF519 बताओ इसके अंदर किसी को डाउट है तो, डीपीपी कितनी है, कहां तक है ये, 12 तक है ना, बताओ 12 तक अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ, क्वेश्चन नंबर सिक्स में बताओ क्या डाउट है, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या था, एक बार निकालो क्वेश्चन नंबर सिक्स, फिर बताओ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या था हमारा, एक बार डीपीपी निकालो, मैं भी निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो था हमारा, क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर क्या है कि ऊपर हमें क्या गिवन है, ऊपर हमें कंपाउंड्स गिवन है, और हमें बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट डिस्क्राइब टू एनी ऑफ द अबव स्पीशीज, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो भी नीचे हमें शेप गिवन है इनमें से कौन सी ऐसी शेप है जो ऊपर नहीं है, कौन सी ऐसी शेप है जो ऊपर नहीं है, देखो पहले में स्केयर पिरामिड आई तो ऑप्शन में स्केयर पिरामिड है ठीक है, लीनियर आई लीनियर भी है, स्केयर प्लेनर आ गया स्केयर प्लेनर भी है हमारे, ठीक है, टी शेप भी है, ओके तो मतलब देखो ऑप्शन से देखो स्केयर पिरामिडल है स्केयर प्लेनर है, स्केयर प्लेनर भी है, और ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, तो ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अच्छा सॉरी हाँ PCL3 की तो मैं गलती कर रहा था, ट्राइगोनल प्लेनर है ना, हाँ यहाँ पे गलती है, वही गलती हो रही, PCL3 की हमारी स्केयर पिरामिड आ जाएगी ना, वो नॉर्मल पिरामिड नॉर्मल, पिरामिड ला जाएगी, ठीक है, क्लियर है। सेवंथ बताओ, सेवंथ के अंदर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा कौन सा ये एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, देखो मैंने आपको बताया कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो भी हमें ऑप्शंस गिवन है, जो भी हमें ऑप्शंस गिवन है का मतलब क्या है कि जैसे जो भी सर ने आपको डीपीपी लिखवाई है, तो भी आपने पूरी रिपोर्ट डीपीपी सर ने आपको कराई है ना,
और टेबल बनवाई होगी भी, इतने इतने लोन पर आएंगे, इतने बॉन्ड पर आएंगे, तो ये शेप होगी, ये ज्योमेट्री होगी, इतने बॉन्ड पर, इतने लोन पर, ये शेप, ये ज्योमेट्री। उसके अलावा अगर कोई भी कॉम्बिनेशन है तो वो नहीं बनेगा। उनके अलावा अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, XZF3 सर शेप्स नहीं आ रहे, campcube.com मैं बता दूंगा आपको इसमें। और अगर कोई ओड इलेक्ट्रॉन वाला आ रहा है ना, ओड इलेक्ट्रॉन वाला आ रहा है, तो वो भी देखो, ओड इलेक्ट्रॉन वाले बनते हैं बट सारे नहीं बनाते, ओड इलेक्ट्रॉन भी सारे नहीं बनाते ओड इलेक्ट्रॉन। तो देखो हमारा XZF3 नेगेटिव का मतलब क्या है, हमारे पास 8 और एक 9 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो 1 2 3 एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। बताओ है कोई ऐसा 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर के अंदर, 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, कोई सर ने कराया आपको? और टेबल ओपन करो और देखो क्या 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर वाला कोई केस है, नहीं है? हाँ तो फिर यही आ जाएगा। XZF4 हमने अभी किया, XZF5 नेगेटिव इवन हमने अभी किया, XZF6 देख लेते हैं चलो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 और ये, तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर कराया होगा सर ने। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बताओ याद है? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली शेप, 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर कराया था ना, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बस कैप ऑक्टाहेड्रल भी बोल दो, वैसे ज्यादा उसका सही नाम ना डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलो। क्लियर है? चलो अच्छा, एक 8th डाउट बोल रहे थे, 8th के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज इज हैविंग डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सेम शेप। बताओ ऐसे कौन कौन सी, कौन सा हमारा ऑप्शन सही है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन तो डिफरेंट है बट शेप सेम है। तो आई थिंक यही ऑप्शन होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसकी SP2 इसकी SP3 है, और ज्योमेट्री तो अलग अलग ही होगी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अलग है, और शेप हमारी जो है वो दोनों की बेंट आती है, बेंट बोल लो, वी बोल लो, या फिर एंगुलर बोल दो। हाँ जी बताओ, इस DPP के अंदर किसी और कोई डाउट है तो बताओ, फिर नेक्स्ट DPP करते हैं। 11वां और 12वां भाई, 11वां और 12वां क्या है, ऑर्बिटल इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन SP3D2। SP3D2 के अंदर कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? BXY नहीं करता पार्टिसिपेट, बताया तो था अभी। SP3D2 के अंदर D2 में D2 कौन कौन से आएंगे, DXK-Y² एंड DZ² DXY तो आता ही नहीं ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बताओ किसी और को डाउट है तो। बारवा डाउट है, अच्छा ये बोल रहे हैं कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑल आर नहीं आर एट एंगल ऑफ x डिग्री टू वन अदर, This statement is not valid for which। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे हमें पता है ना टेट्राहेड्रल जो होता है, टेट्राहेड्रल में हर एक के रिस्पेक्ट में एंगल सेम होता है, हर एक के रिस्पेक्ट का मतलब है कि सर ने आपको बताया होगा, किसी एक बॉन्ड को पकड़ लो और बाकी बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एंगल चेक करो, जैसे ये हमारा टेट्राहेड्रल हो गया, जिस मैंने इसको पकड़ लिया, इसको इसके एंगल इसके साथ देख लो, इसके एंगल इसके साथ देख लो, इसके एंगल इसके साथ देख लो, एंगल क्या होगा सेम होगा, इसको पकड़ लो इसका इसके साथ इसका इसके साथ इसका इसके साथ एंगल क्या होगा सेम होगा। तो कह रहे कि सारे एंगल जिस मर्जी बॉन्ड को पकड़ लो, जिस मर्जी के साथ चेक कर लो, एंगल सेम आना चाहिए, और किसके अंदर सेम नहीं आता हमें पता है वो, तो जो हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ये हमारा ट्राइगोनल हो गया और ऊपर और नीचे पिरामिडल, भाई इनके बीच और इनके बीच एंगल 90, ऊपर वाले के बीच और नीचे वाले के बीच एंगल 180, तो एंगल डिफरेंट आ गया ना, एंगल डिफरेंट आ गया। हाँ जी बताओ, नहीं हुआ क्लियर? जैसे यार हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर हो गया 3 का, मैं एक को पकड़ू इसको, इसका इसके साथ एंगल 120, इसका इसके साथ एंगल 120, इसका
इसके साथ एंगल 120, इसका इसका एंगल 120, तो सबका एंगल सेम आ रहा है ना, जिस मर्जी को पकड़ो जिस मर्जी के साथ कर ले लो एंगल सेम आ रहा है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका एंगल ही सेम नहीं आ रहा, बस ये बताना यार हमें। समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन को, इसका सबके साथ एंगल 120 आ रहा है, जो मर्जी ले लो ले लो, इस तरह से है ये क्वेश्चन। ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं डीपीपी नंबर 36। सर एट्थ में ऑप्शन बी, एट्थ में ऑप्शन बी क्या कह रहे हो भाई, एट्थ में ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी नहीं आ रहा सही, ऑप्शन डी के अंदर क्या है, आई सी एल टू नेगेटिव करके देख लेते हैं वैसे एक बार, सी एंड डी दोनों आ रहे हैं क्या, देखा नहीं, आई सी एल टू नेगेटिव, आई सी एल टू नेगेटिव का मतलब है कि 7 और 1 8 1 2 3 4 5 6 7 1 7 8, तो 2 CL इधर और इधर, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तो 3 तो लोन पेयर और 2 बोन पेयर, बताओ कौन सी शेप आएगी, 3 लोन पेयर और 2 बोन पेयर, बताओ कौन सी शेप आएगी, बताओ 3 लोन पेयर में और 2 बोन पेयर में बताओ कौन सी होती है, लीनियर होती है, तो बस लीनियर आएगी, हाँ आई आएगा यहाँ पे CL, यहाँ पे CL, लोन पेयर लोन पेयर और लोन पेयर। ठीक है अच्छा नेक्स्ट देख लो BEH2, BEH2 तो सर ने आपको कराया हुआ ना डायमर और पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर कराया होगा, तो कहाँ शेप सेम आ रही है, BH2 तो नॉर्मल तो लीनियर ही बनेगा अगर नॉर्मल मोनोमर देखोगे तो, अच्छा शेप सेम आ रही है, शेप सेम आ रही है, ठीक है भाई ठीक है ठीक है, फिर ये भी हो जाएगा हमारा, हाँ BH2 में लीनियर ही बनेगा ये, तो फिर COD दोनों आ जाएंगे, हाँ दोनों लीनियर है दोनों, या फिर COD दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, बिल्कुल सही मैंने देखा था वो, दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है चलो हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है तो कोई बात नहीं ना, हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट निकालो फटाफट, तुम करते हैं इसको केमिकल बॉन्डिंग डीपीपी नंबर 36 निकाल लो। अच्छा तो स्ट्रक्चर ही है, स्ट्रक्चर हमें गिवन ही है, बताओ भाई कौन सा स्ट्रक्चर नहीं आया, कौन से स्ट्रक्चर में डाउट है, ऐसे नहीं यार पहले 5 में बताओ कौन सा डाउट है, पहले 5 में, ऐसे तो कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5 में बताओ कौन सा किसका क्या डाउट है, फर्स्ट 5 में, पहले 5 में बताओ, सेकंड डाउट है, सेकंड में क्या, H2SO4, H2SO4 हमें पता है, देखो ये ना ये भी H2SO3 है, ये भी क्या H2SO3 है, 2H+ ऐसे है ना, H2 2H+ निकाल दिए, जब 2H+ निकालेंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 2- आ जाएगा। ठीक है तो ये भी हमारा क्या है, इस तरह से है ये भी हमारा, ओके तो वही करना है हमें, H2SO4 है कैसे, हाउ कैसे क्या, H2SO3 है, 2H+ निकले तो 2- चार्ज आ गया, तो SO3 क्या बन गया, 2- बन गया, सल्फाइट, क्या बोलते हैं इसको, सल्फाइट बोलते हैं, सल्फाइट सल्फाइड। ठीक है तो अगर जब भी इस तरह से बनाते हो तो इसको तो आप नॉर्मल देख लो, सल्फर है, सल्फर पे कितने हैं, 2- हैं, तो 6 और 2 8 बॉन्ड हो गए, 3 4 5 6 7 8, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, मतलब ये ऑक्सीजन आ गए, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, और 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर क्या बनता है हमारा, पिरामिडल बनता है। ठीक है ऐसे हमारा H2SO4 हो गया, H2SO4 के अंदर क्या है कि देखो H2SO4 को ना आप ऐसे लो जैसे हमारा सल्फर हो गया, ये सल्फर के पास क्या होता है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होता है, तो जो जितने भी H है ना, ध्यान से सुनना इस बात को, जितने भी H है उतने OH के पेयर बना दो, जितने भी H है उतने OH के पेयर बना दो, एक OH का पेयर ये रहा, एक OH का पेयर ये रहा, कितने ऑक्सीजन बच गए, 2 ऑक्सीजन बच गए, एक ओ ये और एक ओ ये, अब बॉन्ड पेयर काउंट कर लो, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर और चौथा बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर 4 आ गए इसमें, तो लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, तो फिर बन जाएगा ये हमारा। हाँ जी बताओ क्लियर है ना ये, चलो IO3 नेगेटिव बना लो, IO3 नेगेटिव, आई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया ना क्योंकि नेगेटिव है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, एक लोन पेयर आ गया यहाँ पे, तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर के साथ और एक लोन पेयर के साथ हमारी पिरामिडल शेप होती है। बस
I2O5। देखो भाई अब जो भी है ना, जैसे आगे सल्फर के बहुत सारे आए हुए हैं, नाइट्रोजन के बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा ना माइंड में रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा जहां पे पॉली न्यूक्लियर आ जाए। पॉली जो हमारे सैटेलाइट है ना, पॉली मतलब एक से ज्यादा आ जाए, तो आप इस तरह से कर सकते हो, एक आई इधर आया, एक आई इधर आया। कोशिश करो कि बराबर बराबर बांटो इनके बीच में, कोशिश करो बराबर बराबर बांट दो। एक हमने डबल बॉन्ड ओ इसके साथ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड ओ इसके साथ लगा दिया, एक और डबल बॉन्ड इसके साथ लगा दिया, एक और डबल बॉन्ड इसके साथ, एक ऑक्सीजन बच गया, चलो उसको बीच में लगा दिया। मोर देन 90% केस, 95% केस हमारे इससे सोल्व हो जाते हैं। जो भी है हमारा बराबर बराबर बांटो, मोर देन 95% केस हमारे सोल्व है। पर 2-5% ऐसे हैं जो इस चीज को फॉलो नहीं करते, जो थोड़ा सा अलग बनते हैं, बाकी ऑलमोस्ट केस आपके इससे सोल्व हो जाएंगे इस तरह। क्लियर है बताओ? हाँ जी क्लियर है ना सर। नीट का रिजल्ट कल आएगा भाई। नीट का रिजल्ट जो है ना यार, नीट की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, उन्होंने ना फेज 2 लेना है। जैसे आपने सुना होगा कि कई बच्चों का ना रह गया था, जैसे कोई जहाँ पे ऑफलेट वगैरह आया होता, या फिर जहाँ पे जो अपने कोरोना के केसेस ज्यादा थे, जो एग्जाम नहीं देने दे पाए, तो उस केस पे है, तो फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं वो शायद। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, नाम लिख लेना इसका, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, बस सबने कराया हुआ ये, सब खुश हो गए। कार्बन के बीच में 4-4 बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में और कार्बन के बीच में 2-2 बॉन्ड है, कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। XeO3 ये तो नॉर्मल ब्राइन हो गया। CN2 वाला है, CN2 का ये रहा केस, CN2 CN2 C BBB होता है ना हमारा, C BBB होता है, CN नेगेटिव होता है, एक्चुअल में ना HCN होता है हमारा, HCN होता है, एसिड होता है ना, HCN हमारा तो एसिड होता है, क्या करता है H पॉजिटिव देता है, तो जैसे ही H पॉजिटिव देता है तो ये CN नेगेटिव बन जाता है, CN नेगेटिव ही होता है हमारा, तो CN CN दोनों मिल गया तो ये बन जाता है, डाइमर बना लेते हैं, ठीक है। हाँ जी पहले 10 में बताओ किसी को कोई डाउट है तो, यार पहले 10 में बताओ किसी को कोई डाउट है तो। सर मैंने आपको कहीं देखा है, पहले 10 में बताओ किसी को कोई डाउट है तो। I2O5 का नाम देखो, नाम तो सिंपल है यार, I2O5 का क्या है, नाम है डाई आयोडीन पेंटाक्साइड, ठीक है। चलो वैसे तो मैंने सारे बना दिए थे, उसमें कोई डाउट होगा नहीं कह रहा आपको। NO3 नेगेटिव, अच्छा जैसे ये आ गया Na2S4O6, Na2 हाँ बार बार बता रहा हूँ मैं, Na2S4O6। तो जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे 4 सल्फर है, तो 4 सल्फर में लिख दी, एक सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर और चौथा सल्फर, ठीक है। अब अगर Na आ जाए या फिर OH आ जाए, जैसे यहाँ पे तो Na है, हाइड्रोजन भी आ सकते हैं यहाँ पे, तो Na है तो उतने ही ONa बना दो, ये ध्यान रखना O के और Na के बीच में हमारा आयनिक बॉन्ड है, तभी मैंने बॉन्ड नहीं बनाया। सर ने आपको बताया होगा जब भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो हम बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि उसको नो बॉन्ड बोलते हैं, एक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, बॉन्ड नहीं है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, पॉजिटिव की और नेगेटिव की। नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, उससे हमें कोई भी ज्योमेट्री शेप नहीं पता चलती। नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या है, डायरेक्शनल है कोई, उसकी डायरेक्शन अलाइन है पूरी, जैसे टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ये डायरेक्शन अलाइन हो रखे हैं तभी तो ये डायरेक्शनल हुए। आयनिक बॉन्ड से कभी भी ऑक्टा टेट्रा लीनियर कोई कंसेप्ट नहीं आता। हाँ वरना तो हमारे पास एक टेबल और आती है हमारे, हमें लर्न करने वाली, ठीक है। तो चलो मैंने 4 सल्फर लिख दिया, ONa लास्ट वाले में, ONa इस वाले में लगाया, तो जब से जो सबसे इधर उधर वाले होंगे ना, जो हमारे ऑक्सीजन बचे हैं उसके ऊपर लगाने हैं, डबल बॉन्ड हो इधर भी, डबल बॉन्ड हो इधर भी, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, बराबर बराबर बांटने की कोशिश करनी है। ONa तो लास्ट में ही जाएगा, उसी को ही आपने डबल बोनो को डालना है, थोड़ा सा यार मतलब माइंड में रखना पड़ेगा, हाँ इस तरह से जाना है, ऐसा कोई ऐसा तरीका नहीं है, याद ही कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, बस प्रैक्टिस कर सकते हो। सेंटर वाले ऑक्सीजन, सल्फर के ऑक्सीजन नहीं आएंगे। एक्चुअल में होता पता क्या है यार, ये ना जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चले, कहां से पता चले हमें स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमें पता चलता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से,
जो बहुत ही आजकल एडवांस टेक्निक चल रही है स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारे सिलेबस में तो खैर नहीं, 11th 12th में पढ़ते, हायर क्लासेस में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। पहले हमें पता नहीं था स्पेक्ट्रो मतलब स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये होता है, तो अब ना बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास आ चुकी है। जैसे MRI होता है ना, MRI वो भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। MRI करते हैं मेडिकल फील्ड में, कहते हैं ना MRI करते, इतने टेस्ला का है, 2 टेस्ला, 1.5 टेस्ला लिखा होगा, MRI कराए इतने में, और 1.5 T लिखा होता है, 2 T लिखा होता है, टेस्ला। तो ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, तो बहुत ही एडवांस टेक्निक है ये, उनसे हमें स्ट्रक्चर का पता चलता है एग्जैक्ट। तो पहले हम अपना प्रपोजल रखते कि हाँ ऐसा होना चाहिए, फिर आगे की एक्सेप्शन भी ऐसा निकला, तो कहां से पता चला हमें, हमें वो पता चला स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चला। NMR, ESR, MOSBAR, ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी है सारे के सारे। नहीं सर, NCERT में भी बताया है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हल्का सा बताया होगा, एक लाइन लिखती होगी NCERT ने 11th 12th में, तो स्ट्रक्चर हमें वहां से पता चलते हैं। मतलब यह कहने का मतलब है कि कोई बंदा आया, उसने अपनी थ्योरी दी, उसने थ्योरी में अपने पोस्टुलेट दिए कि हाँ ऐसे ऐसा हो सकता है, सारा है, उसने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस से बताया, उसने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया, थोड़ा बहुत टेस्ट लगाए, फिर बाद में उसने पहले दे दिया, बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक आई, स्पेक्ट्रोस्कोपी ने देखा नहीं इसने ये गलत बताया, ये सही सही बताया, तो वहां उसकी लिमिटेशन निकली, फिर लिमिटेशन को हमने दूर किया कि हाँ अगर ये लिमिटेशन है तो ऐसा क्यों हुआ है, वो रीजन फाइंड आउट किया, उसकी वजह से फिर अलग कर दिया, उसी को हम एक्सेप्शन बोल देते हैं। एक्चुअली एक्सेप्शन कुछ नहीं होती, उसका भी रीजन होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो अच्छा, Cl2O आपको पता है, ये Cl2O Cl2O आपको पता ही है, ये दो बॉन्ड पर आएंगे, दोनों रहेंगे Cl2O7, Cl2O7 एक Cl एक Cl, बराबर बराबर मार दो, डबल बॉन्ड और डबल, तीन इधर ला दिए मैंने, तीन इधर लगा दिए और एक बीच में ऑक्सीजन लगा दिए, तो बराबर बराबर पड़ गया, सारे खुश, हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, हमारा स्ट्रक्चर। अच्छा कोई बताएगा मेरे को कि मैंने ये नीचे करके ही क्यों लिखा है, मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं बना दिया, ये क्यों नहीं बनाया मैंने इसको, इसका भी थोड़ा सा रीजन है इसके पीछे भी हल्का सा, बताएगा मेरे को कोई कि मैंने सिंधा बॉन्ड क्यों नहीं क्यों बनाया, मैंने नीचे करके ही क्यों बनाया, है कोई डाउन द मतलब डाउन द पेज का मतलब ये है मेरा दिखाना, मेरा मतलब मैंने नीचे बॉन्ड क्यों दिखाया, स्टेबिलिटी, कौन सी स्टेबिलिटी भाई, देखो इसका रीजन ये है, अगर मैं इस सीएल को देखूं, अगर मैं इस सीएल को देखूं तो इस सीएल की ज्योमेट्री क्या है, इस सीएल की ज्योमेट्री बताओ मेरे को, इस सीएल की ज्योमेट्री बताओ मेरे को कोई, सिंगल सीएल की टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही बोल रहा है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल को हम कैसे बनाते हैं, सीएल मतलब ऐसे आना चाहिए, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तभी मैंने इसको नीचे की तरफ दिखाया है, सीधा दिखा रहे हो गलत वो भी नहीं है, पर थोड़ा सा ज्यादा परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए इस तरह दिखाया इसको, समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हाँ बस यही नहीं है इसका, Cl3 नेगेटिव पहले हो गया था, P4 फॉस्फोरस हमें इसी फॉर्म में मिलता है, P4 इसी इस तरह होता है, चार फॉस्फोरस होते हैं हमारे, P4 यूनिट मिलते हैं फॉस्फोरस की, एक बॉन्ड ऐसे बनता है सबके बीच में, फिर एक बॉन्ड ऐसे, और फिर एक ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, आप सोचो कैसे ये बोन के बीच में बोन उसको पेनिट्रेट करके जा रहा है, ऐसा नहीं है, बोन के बीच में बोन पेनिट्रेट करके नहीं जा रहा, ये सारे के सारे एक प्लेन में नहीं होते, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये हमें एक प्लेन में दिखाना पड़ रहा है बस, ये आप देख सकते हो, आप मान बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, इस फॉस्फोरस की ज्योमेट्री कितनी है, एक लोन पे और तीन बोन पे, तो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है ये, तो आप बना मान सकते हो कि जो ये वाला बोन है ये आगे की तरफ से आ रखा है, हाँ पिरामिड लोग इसकी शेप ना, शेप पिरामिड लोग है, और ये जो बोन है वो पीछे की तरफ से गया हुआ है, तो ऐसे ये नहीं है कि पेनिट्रेट करके जा रहे हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी लगा दो, अपनी ही कलाकारी करने लग जाओ, ऐसी कोई कलाकारी नहीं करनी, हाँ अपनी कलाकारी कोई नहीं करनी। अच्छा P4O6 देखो, तीन स्ट्रक्चर आए हैं यहाँ पे, P4O6 और P4O10, ठीक है, P4 सिंपल है, O6 जब भी आएगा तो हर एक फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, एक हर एक फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, और फिर दो ऑक्सीजन बीच वाले बॉन्ड में भी आएंगे भाई, तो ये बन गया हमारा P4O6, ठीक है। P4O10 का मतलब भी बीच में तो सारे आएंगे और हर एक ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो बाहर वाले जो फॉस्फोरस के जो बच गए जहां पे लोन पेयर था वहां पर वो बॉन्ड बनाएंगे,
तो P4, P4O6 और P4O10 थोड़े थोड़े अक्षर आ रखे हैं वैसे ये, सही ना, सही जो अक्षर पढ़ते हैं ना, दर्दनाक हो गया। अच्छा जो सही अक्षर पढ़ते हैं एस ब्लॉक आएगा, पी ब्लॉक आएगा, ग्रुप 13 to 18 पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ते हैं पी ब्लॉक की स्टडी, फॉस्फोरस की स्टडी, कितने टाइप का फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, सबके स्ट्रक्चर बनाओ, तो फिर वहां पे सारी चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़े स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ठीक है माइंड में रखो कि इस तरह होता है ये, ठीक है सर। 18 रिपीट बता रहा हूँ ना, जो P4O6 है बाहर वाले फॉस्फोरस पे भी ऑक्सीजन लगा दो, बस P4O10 बन जाएगा सर ये। हाँ ठीक है, POCl3, POCl3 आपको पता है कि POCl3 बना सकते हो, कि फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है, पांच इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, तो एक आ गया ऑक्सीजन और तीन आ गए यहाँ पे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो तीन बॉन्ड पे ये रहा और एक बॉन्ड पे ये रहा, चार बॉन्ड पे रहा, तो फिर ऑक्सीजन ये रहा और तीन ये रहे क्लोरीन। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन को ऊपर दिखाओ, नीचे भी दिखा सकते हो, वो थोड़ा ठीक लग रहा है बस, फर्क नहीं है क्योंकि सारे बॉन्ड टेट्राहेड्रल के सेम होते हैं। हाँ बना लोगे ना। अच्छा O2F2 का भी मैंने ऐसा ही क्यों बनाया, O2F2 ऐसा ही क्यों बनाया है मैंने, इसको चेयर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर, आएगा आगे आएगा खैर, ओपन लिख लो इसको, ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, चेयर नहीं बोलते इसको, ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओपन बुक मतलब है कि यार ये ना जो बुक है ना, मतलब जैसे बाहर की तरफ आ रखा है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करा दूं, अगर मैं ट्राई कर दूं इसको इस तरह से, देखो यार मैं इनको थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, जैसे ये है ना, ये हमारा एक सिंगल हो गया ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया, ठीक है, और एक ये आगे की तरफ आया हुआ है और एक ये पीछे की तरफ गया हुआ है, तो ये ओपन बुक की तरह हो गया कि हमारी ना बुक ओपन हो रखी है, एक तो जैसे ये हो गया तो ये बुक हमारी बंद हो गई एक तरह से, ये इधर चला गया और इधर आ गया, तो ये बुक ओपन हो रखी है इस तरह से, देखो आगे की तरफ पीछे की तरफ, ठीक है ना, यहाँ पे लोन पेयर आएंगे तो बुक हमारी ओपन बुक स्ट्रक्चर आ गई, समझ आ, थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हो आप इस तरह से, कर सकते हो विजुलाइज, ये इस तरह से कर सकते हो आप इसको विजुलाइज, ओपन बुक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है समझ आया नहीं आया, ओपन बुक किस तरह आ गया हमारा, या मतलब बुक से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, बुक भी है वैसे मेरे पास, जैसे ये हमारी बुक है ये ना बुक है, ये यहाँ पे बीच में ये एक बॉन्ड आ गया हमारा ये, ओके, और एक हमारा जैसे ये लगा लो कि एक ये हमारा इधर आ गया इस तरह इधर, और एक ये हमारा इस तरफ आ गया, ये समझ गया ना, ओपन बुक हो गया था ये, इस तरह से आप दिखा सकते हैं इसको, ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। चलो ये हो गया ओपन बुक। अच्छा ये भी थोड़ा सा रीजन है कि मैंने इसको इस तरह से, देखो ना लोन पे हमारे ऐसे ऐसे बने हुए हैं, लोन पे का ध्यान रखना है, फ्लोरी नीचे आएगा तो लोन पे ऊपर की तरफ बनेंगे, इसमें भी लोन पे नीचे की तरफ बनेंगे, थोड़ा ध्यान रखना इसको, ठीक है ओपन बुक। सेम ऐसा बनता है, एक एग्जांपल और बता दूं, H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड, वो भी सेम बनता है हाइड्रोजन परोक्साइड, ये भी हमारा ओपन बुक स्ट्रक्चर ही होता है हाइड्रोजन परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड, ठीक है ना, ये भी सेम बनता है, बस फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ जाते हैं। सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, फास्ट हो रहा है क्या, हो गया अब तो खत्म। S3O9 साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, हाँ परोक्साइड लिंकेज है ना, ये परोक्साइड लिंकेज आ गई हमारे, ये हमारी जो है परोक्साइड लिंकेज है S3O9, ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो अगर इसको लीनियर बनाने की गलती मत कर देना, ये ध्यान रखना, जैसे मैं बोल रहा था कि एस 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 लगा दो, इससे नहीं बनेगा ये, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यार। सर क्लास कब तक है, जब तक आपकी एडीपीपी है बस। S3O9 सल्फर सल्फर सल्फर, बेंजीन की तरह बनाना है बस यार, बेंजीन की तरह, तीन सल्फर हो गए अल्टरनेट और तीन ऑक्सीजन हो गए अल्टरनेट, ठीक है, और हर एक सल्फर पे दो दो ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि सल्फर तो हमें पता है 6 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, तो ये हो गए। देखो यार लर्न, मैं कहूँगी तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, लर्न तो नहीं बस एक बार, जैसे सर ने काफी सारे सेक्शन दे दिए डीपीपी दी, तुमने सोल्व करे, कुछ गलत बने कुछ सही बने, फिर मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया, सोल्यूशन में आपने देख लिए, कभी खाली बैठना संडे को दोबारा बना के देखना, फिर मैच करना सही बन रहे नहीं बन रहे, बन गए सही तो समझो तुम्हें आगे, नहीं सही बने अगली बार सही हो जाएंगे, याद मतलब प्रैक्टिस ही हो जाएंगे यार बस, ठीक है। N2O5
ये N2O5। अब देखो N2O5 डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इसको मैं नीचे की तरफ बनाया है, नीचे की तरफ। क्यों बनाया नीचे की तरफ बताओ, इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल सही, ट्राइगोनल प्लेनर। तो नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा ना, सीधा मत बनाना, मतलब बना सकते हो बुक्स में भी जैसे लिखा होता है, बट ट्राई करना थोड़ा उसको उसी शेप में बनाओ जिस शेप में वो है, बढ़िया भी लगेगा। सर प्लीज रिपीट, रिपीट में मैं भी देख लो यार। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बराबर बराबर बांटना है, चार हमारे पास पांच ऑक्सीजन है, दो एक को दे दिए हमने और दो हमने एक को दे दिए, और ये हमारा एक ऑक्सीजन बीच में आ गया, ओके, जो दोनों ने शेयर किया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारा S2O72-, S2O72-। अच्छा S2O72- लिख लो, या फिर इसको आप ऐसे सोच सकते हो H2S2O7। बात सही है ना, सेम है इसकी, H2S2O7। तो मैंने बता रखा है आपको कि सल्फर लो इधर एक, इधर सल्फर लो और OH OH लगा दो, तो OH OH लगाओ या फिर आप O नेगेटिव लिख दो, H हॉट आगे O नेगेटिव आ जाएगा ना, फिर बस, फिर एक ऑक्सीजन बीच में आ गया और तीन तीन ऑक्सीजन आएंगे इनके पास, और तीन तीन में से एक के पास ऑक्सीजन नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव, ठीक है। बाकी टेट्राहेड्रल की तरह बनाना है, ओके। सर सिर्फ डाउट बता दो, बताओ भी कौन कौन से डाउट है, फिर डाउट बता दो 30 तक, था सारे इंपोर्टेंट से हमारे सर। चलिए KHCO3, KHCO कैसे विजुलाइज करोगे? CO3 2 नेगेटिव, नहीं चल रहा, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट या फिर कार्बोनिक एसिड। के आ गया ना पोटेशियम, तो के और के का और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो क्या हुआ, ये आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड कैसा है, ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, ओके। अच्छा CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ओके। अच्छा देखो होता क्या क्या है CaC2 के अंदर, क्या होता है सर, इस बार नीट में किसी के 720 भी आए हैं भाई, एलन वालों ने अनाउंस किया है कि नीट में उनका एक बच्चा है पहली बार हिस्ट्री के अंदर 720 मार्क्स आए हैं, 720 में 720, नीट में ऐसा आज तक तो कभी नहीं हुआ, एलन वालों ने मतलब बताया कि यह हुआ है क्योंकि आंसर की आ चुकी है, ओ एम आर शीट आ चुकी है, तो उनको पता है, एलन ने किया है, मतलब 700 से अबव बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हैं। हाँ CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, तो C2 2 नेगेटिव, जैसे मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करूं CaC2 को, तो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे C2 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा, ओके। जेनेसिस में भी एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 700 प्लस बन रहे हैं, 705 के राउंड, पता नहीं इतने राउंड बन गए, एक है स्टूडेंट काफी अच्छी रैंक लेके जाएगा, अंडर 100 आने की उम्मीद है C2 2 नेगेटिव, ओके। अब देखो C2 2 नेगेटिव का क्या बनेगा, C2 2 नेगेटिव का ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड, सी देखो इसको ध्यान से सुनो यार, पहले C2 2 नेगेटिव का मतलब हो गया हमारे पास C2H2, बताओ C2H2 क्या होता है, C2H2 क्या होता है बताओ, एसिटाइलिन पढ़ा था आपने, एसिटाइलिन, इथाइन, इथाइन लगा लो, चलो इथाइन, C2H2 क्या हो गया, इथाइन हो गया, तो इथाइन मतलब HC CHC, ये हो गया इथाइन हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इथाइन में से यहां से भी एच पॉजिटिव निकाल दूं, यहां से मैं अगर मैं एच पॉजिटिव निकाल दूं, तो क्या मेरे पास यही नहीं बच जाएगा, क्या मेरे पास यही नहीं बचेगा C ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी नेगेटिव चार्ज और इधर भी नेगेटिव चार्ज, क्या इतना क्लियर है बताओ। अगर मैं इथाइन में से दोनों तरफ से हाइड्रोजन निकाल दूं, क्योंकि ना वो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो आगे बढ़ेंगे तो वो चला जाता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग आएगा ना तो निकाल देगा फिर उसको, तो इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव। अब इसका और कैल्शियम का जो बॉन्ड होता है ना वो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, अब आयनिक बॉन्ड को दिखा नहीं सकते, इसलिए ना मैंने ब्रैकेट में करके ऐसे दिखा दिया, कई बुक्स के अंदर अगर आप थोड़ा समझाने के लिए ना ऐसे लिख देते हैं Ca2+ और इंटरेक्शन दिखा देते हैं, आयनिक बॉन्ड की इंटरेक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रही है ना, दिखाना चाहो दिखा दो, बट दिखाते नहीं वैसे यूजुअली, इंटरेक्शन में दिखाते हैं क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, हमें
अपने आप में अंडरस्टूड होना चाहिए। बताओ ये समझ आया नहीं आया? कैल्शियम कार्बाइड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करो 26 H4P2O8, वही सिंपल है H4P2O8, दो फॉस्फोरस है, दो फॉस्फोरस हमने लिख दिए, चार हाइड्रोजन है तो चार OH आएंगे, बराबर बराबर बांट रहा है भाई, दो OH इधर और दो OH इधर। ये अगर बराबर बराबर नहीं बांटेंगे तो फिर क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे आपस में, ये लड़ेंगे जैसे आप लोग करते होंगे बचपन में, आपके लिए कुछ अगर आता होगा तो आप बराबर लेते होंगे, ना कम और ना ज्यादा, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन बचेंगे, वो बीच में परोक्साइड आ जाएगी, परोक्साइड लिंकेज आ जाएंगे इसमें। ऐसी H2N2O2 बन जाएगा, दो हाइड्रोजन है तो दो OH बनेंगे और एक एक इनके बीच में लोन पे आएगा और डबल बोन आ जाएगा। सेम वही H2S2O7 सेम बनेगा, H2S2O8 वहां पे सिंगल आएगा, यहां पे डबल आ जाएगा, और H2SO5 यहां पे परोक्साइड लिंकेज बनती है, क्योंकि हमें पता है ना सल्फर हमारा 6 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। जैसे H2SO5 है, H2SO5 बता देता हूं मैं, जैसे सल्फर है, सल्फर पे हमने दो हाइड्रोजन है तो हमने दो OH लगा दिए, एक OH यहां लगा दिया, एक OH हमने यहां लगा दिया, अगर हम यूजुअल तरीके से चलें, और ऑक्सीजन बच गए तीन, एक हमने यहां लगा दिया, एक हमने यहां लगा दिया, ठीक है। अब अभी एक ऑक्सीजन हमारे पास बच जाता है, बट सल्फर के साथ वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर के ओवरऑल 6 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो इसके साथ तो हो नहीं सकता, चलो हम यहाँ पे ना इसको ना परोक्साइड बना देते हैं, तो क्या करते हैं परोक्साइड बना देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको परोक्साइड बना दिया, एक ओ करके OH लगा दिया, तो इसलिए बन गया H2SO5। हाँ जी क्लियर है, बताओ, ठीक है। चलो ये थे आपके डीपीपी, ये अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इसके अंदर तो मेरे को आप मैसेज डाल देना, ये जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, फिर कभी सेंटर कराओ तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।